ईशा जी तो चले गई, उनकी भी गाड़ी आने वाली है और मेरी भी गाड़ी आने वाली है। और ब्लॉग शुरू करने से पहले भाई, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो देख लो, बड़ा मजा आएगा। और मुझे ऐसा जाना पड़ रहा है पूरा कवर ओवर लगा के, आवाज़ भी नहीं आ रही होगी मुझे लग रहा है। ये अपग्रेड मिल गया लग रहा है बिजनेस क्लास में, मतलब प्रीमियम तो था ही मेरा ऑलरेडी। आई थिंक मैं अब आराम से सो जाऊँगा पाँव फैला के। सारी फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं पोर्टुगल की, तो भाई गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम नहीं ले रहे किसी को, जो सिटीजन वगैरह हैं उनका ही उनको अलाउ किया होगी कोविड टेस्ट के बाद। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जो मुंबई से लंदन आए हैं, लंदन से उन्हें कहीं और जाना था बट सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, तो उनको दोबारा दिल्ली भेज रहे हैं। तो दिल्ली पहुँचने वाले हैं, अनाउंसमेंट उसी का हो रहा है कि पहुँचने वाले हैं। बस दिल्ली पहुँच के शेयर करता हूँ दिल्ली में क्या हुआ। दोबारा से कोविड टेस्ट हो रहा है लंदन की फ्लाइट है इसलिए। तो मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी सीट, और यहाँ घट गया है चूतिया। कनाडा से जो कोविड का टेस्ट करा के आया था बट यहाँ भी मुझे करना पड़ा क्योंकि हमारी फ्लाइट आ रही लंदन से और लंदन में म्यूटेटेड केस हो रहे हैं। आप लोग गाना सुना दो पहले, फिर बताता हूँ सारी डिटेल्स। गाना सुन लिया और ये लाउंज में हुए और कोविड टेस्ट के साथ इसके भी पैसे लिए इन्होंने, इसके पूरे 2600 और 800 का टेस्ट, तो टोटल 3400 लिए हुए। तो सीन ये है कि यहाँ आके सबका, अभी जितने भी लंदन से आए हैं लोग सबका टेस्ट हो रहा है, और मैं कनाडा से ऑलरेडी टेस्ट लेके आया था पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जैसा आपको पता ही होगा अभी लंदन में म्यूटेटेड कोरोना वायरस निकला, तो कनाडा ने सारी फ़्लाइट लंदन की कैंसिल कर दी और मैंने लास्ट फ्लाइट ली थी कनाडा से। यहाँ आते ही सबसे पहले उन्होंने पूछा कि भाई बाहर का पासपोर्ट तो नहीं है ये वो, फिर सीधे लाइन बनी हुई है, अरेंजमेंट सामान उठाओ, और फिर इन्होंने हमारा पासपोर्ट जमा कर लिया और नंबर दे दिया, फिर हम लाइन में लगे और उसके बाद हमें 3400 फीस पे करनी पड़ी। 2600 है आपकी लाउंज की फ़ीस, जिसमें अभी आपको खाना वाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा और जो रिपोर्ट है वो आने वाली है 4 से 5 घंटे के बीच में। जब से मैं कनाडा से चला हूँ और यहाँ आया हूँ तो किसी ने मतलब कोविड रिपोर्ट के बारे में पूछा ही नहीं, सिर्फ ये फोकस कर रहे एयर सुविधा जो सेल्फ रिपोर्टिंग और एग्जेम्पशन फॉर्म है वो आपने भरा है कि नहीं भरा। कनाडा में भी वही पूछा और उसके बाद यहाँ पे भी वही दिखाना था कि भाई एड सुविधा का फॉर्म भरा है कि नहीं भरा, बस वही पूछा, दैट्स इट। और सिर्फ हम ही लोग नहीं, ये देखिए मतलब जितना भी क्रू है, तो जितना भी क्रू है मतलब कैप्टन हो गया, केबिन क्रू हो गया, उन लोगों का भी टेस्ट ले रहे हैं और उनको भी यहाँ बैठा दिया लाउंज में। तो अगर आप रिसेंटली आ रहे हैं, वैसे तो सारी फ़्लाइटें बंद हो गई है लंदन वाली, अगर आओगे तो भाई कोविड टेस्ट यहीं करवा लेना क्योंकि फिर वहाँ पैसे दोगे और फिर यहाँ भी देने पड़ेंगे। और मन बना के आना कि यहाँ 5 से 6 घंटे यहाँ रुकना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अपनी कैब वैब जो भी अगर करवानी है वो करवाना। हाँ तो बस यही है, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। चश्मा पहनना है घाटा। तो जैसे मैं कहता, अगर आप चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहे। नाश्ता कर लिया, नाश्ते में इडली विडली वेज वाला लिया था मैंने, नॉन वेज भी मिल रहा है। सही में यार ये ट्रिप मतलब मेमोरेबल ट्रिप बनने वाली है, मतलब इतनी लंबी और इतनी कठिनाइयों का सामना जो करना पड़ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो भाई 8 से 9 घंटे का मतलब टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना, अगर यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट में आ रहे हो या किसी भी एयरपोर्ट में जा रहे हो जहाँ आपको टेस्ट देना पड़ सकता है, नहीं तो फ़्लाइट छूटने के चांसेस बहुत है। तो फाइनली भाई मैं पहुँच गया हूँ अराइवल्स पे और रिपोर्ट मिल गई है नेगेटिव आई, और सामान लेके आ गया हूँ, बस मैं कैब का इंतज़ार कर रहा हूँ। 4 घंटे बाद रिपोर्ट मिली है और पता नहीं अभी एक
टीवी वाले भी मिल गए थे, तो भाई ने इंटरव्यू भी दे दिया उनको। तो पता नहीं कौन सा चैनल है, बट देख लेना वो भी। आप किसी चैनल पे देखोगे तो मुझे बता देना कौन से चैनल पे आया। तो भाई मैं फ़्लाइट में लंदन से अभी दिल्ली आया हूँ, तो मुझे ईशा जी मिली हैं और ये भी मेरे साथ लंदन से ही आई हैं। और तो बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई अभी जो लंदन में जो बैन वैन हो गया, आपको कुछ प्रॉब्लम? एग्जैक्टली ऑन द वे टू एयरपोर्ट बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रास्ते में ही सारी न्यूज़ और अपडेट्स आ रहे थे सबके कि फ़्लाइट्स बैन हो रही, और कोई भी ये नहीं बता रहा था कि कब से फ़्लाइट्स बैन हो रही हैं। फिर बाद में थोड़ा जाके क्लियर हुआ कि 22 की मिडनाइट से हो रहा है, तो थैंकफुली वी वर द फ्यू लकी वंस जिनको लास्ट हमारी मिल गई। तो भाई हाँ, तो लास्ट में हम लास्ट फ्लाइट में आए, उसके बाद सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो ऐसा लग रहा था कि भाई फ़्लाइट में आज मतलब जा भी पाएंगे नहीं जा पाएंगे। मेरे तो कनाडा से हालत ख़राब थी जब फ़्लाइट डिले हुई और कनाडा ने नहीं बंद कर दिया, फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया, तब जाके विश्वास आया कि हाँ आई एम गोइंग फाइनली। तो ईशा जी की बात सुन के आपको पता चल गया होगा कि भाई कितनी प्रॉब्लम से हम आज यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली, और मुझे तो भाई कनाडा से फ़्लाइट पकड़ी थी तो बहुत वाट लगी। और अगर आप मतलब लाइक नहीं करोगे तो भाई बहुत बुरा लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी आप लाइक नहीं करोगे तो गलत बात है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। हमारे हैं जानने वाले पुराने, और अब मैं इनकी गाड़ी में जा रहा हूँ, सामान रखते हैं, मैं चलते हैं, बाद में मिलता हूँ। तो दिल्ली की रोडों में हम पहुँच गए हैं, और अभी मैंने देखा ट्रैफिक पुलिस वाले लोगों को पकड़ रहे जिन्होंने मास्क नहीं पहने गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर भी भैया 2000 का फाइन है, और 2000 का फाइन है, गाड़ी के अंदर भी भाई पहनना जरूरी है। अभी रुके हैं गाड़ी में, PNG भरवा रहे हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। अगर दिल्ली आओ, अगर जरूरत हो कहीं जाना हो तो भैया से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। खम्बा लेके कहाँ चल रहे हैं भाई? तो भाई CNG भर गई है, हम बिल्कुल फिट हैं जाने के लिए लंबे सफ़र में। तो भाई दिल्ली का जाना माना ट्रैफिक आ गया है। कौन सा हाईवे तो नाम भूल गया इसका, फ्लाईओवर का नाम क्या था? एम्स वाला फ्लाईओवर है यार, तो बहुत गंदा काम लगता है। एम्स वाले फ्लाईओवर में तो भाई आधे आधे के घंटे लगे मुझे निकलने में, और अकॉर्डिंग टू गूगल अभी हमें 6 घंटे और लगेंगे घर पहुँचने में। तो यार जिस फ्लाईओवर में हमें चढ़ना था थोड़ा टाइम बच जाता, बट फ्लाईओवर बंद है, डाइवर्जन कर रखा है यहाँ से, और सारा मतलब ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है, और इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं, और लोग इधर से भी आ रहे हैं। तो भाई आधे घंटे बाद हम निकले हैं, वो जाम में फंसे हुए थे, और अब जाके जान में जाना है, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है यार, वहाँ से -डिग्री से यहाँ पॉजिटिव, और गाड़ियों की इतनी गर्मी हो रही है, धुएं से इतनी गर्मी हो रही है, तो बहुत गर्मी लग रही है। अभी किसान रैली के चक्कर में यहाँ बंद भी दिख रहा है। तो जाएंगे कैसे फिर हम? मैप लेके जाएगा हमें, और किसान एकता जिंदाबाद। सो वही बड़ी भूख लग रही है यार, उन्होंने कहा बीकानेर वाले में खा के चले, और बिना खाए तो अब होगा नहीं काम, एनर्जी भी नहीं आ रही है। तो भाई खाना पीना खा लिया, अब सीधा निकलते हैं यहाँ से, अगला स्टॉप घर पे लेंगे। तो भाई अभी तक मतलब 8 बजने वाले हैं, और अभी हम रामपुर भी नहीं पहुँचे, रामपुर अभी 24 किलोमीटर है। तो बीच में इतना जाम मिला, मतलब जहाँ देखो जाम, जहाँ देखो जाम, और जो किसान रैली है यहाँ भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत सारी जो रोड है काफ़ी बंद है, तो हमें बदल बदल के दूसरी रोडों से जाना पड़ रहा है। और मतलब इस समय इतने घंटे के बाद हमें घर पहुंच जाना चाहिए था, बट कुछ नहीं कर सकते अभी भी, मतलब अभी भी गूगल 2.5 घंटे दिखा रहा है। और मैं सही सलामत घर पहुंच गया कल रात को, बहुत देर हो गई थी रात को, मैं तो मतलब ब्लॉग फिनिश भी नहीं कर पाया, बहुत नींद भी आ रही थी, तो खा पी के मैं सो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर दो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट करके मुझे बताना अगर कुछ और देखना है, पूछना है, आपके कुछ क्वेश्चंस हो। तो मिलूंगा किसी अगले इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, टिल देन बाय।